नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विस्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की। तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तो जगदलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ठेले पर कचरा रखकर नगर निगम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जहाँ कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर निगम शहर के लोगों को कूड़ा कचरे के बीच रहने पर मजबूर कर चुका है। जगदलपुर शहर के अलग अलग वार्ड में डोर टू डोर कचरा संग्रहालय न होने की वजह से वार्ड में अलग अलग स्थानों पर कचरा जमा हो चुका है और नगर निगम कचरा नहीं उठवा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व बीजेपी विधायक संतोष बफाना का कहना है कि जगदलपुर की सफाई से गत के चली गई नालियां और सफाई ना होने की वजह से गंदे पानी से नालियां जम चुकी हैं, जिससे शहर में काफी डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। जहां नगर निगम की तरफ से मामले को लेकर ध्यान न देने पर बीजेपी युवा मोर्चा ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। जगदलपुर शहर के विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर कचरा जो संग्रहण है वो एकदम से बंद हो चुका है, जिससे जो वार्डवासी हैं उनको मजबूरन शहर के कुछ स्थानों पर कचरा को फेंकने को मजबूर हैं, और वो नगर निगम के द्वारा वो कचरा का उठाव ना होने की वजह से सप्ताह भर कचरा वो वहाँ पर रहता है, जिस वजह से लोगों को उस कचरे से उत्पन्न जो दुर्गंध है उसका सामना करना पड़ रहा है। कचरे सड़क पर आ जा रहे हैं, उससे लोगों को मजबूरन गुजरना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। हमारा जगदलपुर जो एक समय में स्वच्छ माना जाता था, आज वो प्रदर्शित हो चुका है इस कांग्रेस नगर निगम की कांग्रेस सरकार में। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर निगम के सामने शहर का कचरा उठाकर एक ठेले पे लाकर महापौर जी को सौंपा है। जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ पर जो कचरा का निष्कासन है या कचरा का निष्पादन है नगर निगम क्षेत्र में, लगातार उसमें व्यवस्थाओं में तकलीफ आ रहा है लोगों को, चाहे संजय बाजार का मामला हो, फिरंता देवी का मामला हो, शहर के विभिन्न वार्डों का मामला हो, इन सभी नालियों में नालियां जाम हैं। उन कचरों को लेकर हम लोग ने आज यहाँ पर युवा मोर्चा के माध्यम से सांकेतिक प्रदर्शन किया। हमारे अध्यक्ष जी ने, सम्माननीय अविनाश जी ने ये कहा है कि 7 दिन के अंदर यदि मुक्कर जो कचरे हैं और जो कचरे हैं उनका निष्पादन ठीक से यदि नगर निगम नहीं करती है तो हम लोग। तो बुलेटिन में बात नारायणपुर की कर लेते हैं, जहाँ नारायणपुर में 6 करोड़ से ज्यादा भी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आबकारी विंडिया और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। बता दें कि विकास कार्यों पर 6,23,39,000 से ज्यादा खर्च किया जाएगा। इस दौरान कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक से सामग्री बांटी गई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों को लाभान्वित करना है, और इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफिक कक्ष का भी उद्घाटन किया गया है। चार साल दिया है, इस साल 2640 दिए हैं। आने वाला समय में 2023 का दान का रेट 2800 रुपया होगा। 2800 रुपया आज हमारा एक बात राहुल गांधी बोला था, भारतीय जनता पार्टी का सरकार चार साल दिया है, इस साल सब भी। तो बेटे में बात छत्तीसगढ़ के रामपुर की कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के रामपुर में NSUI ने प्रदर्शन किया है। तो NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने CM के कार्यालय में ना पहुंचने वाले पदाधिकारियों को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि CM के कार्यक्रम में जो पदाधिकारी नहीं पहुंच सकता है उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, जहाँ सोने वाले कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनकी जगह काम करने वाले पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं हरियाणा के पलवल की, जहां जिला लोक संपर्क की बैठक का आयोजन किया गया। तो पलवल में हरियाणा सरकार ने सहकारिता, अनुसूचित जातियां और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क और परिवाद समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया, जहां बैठक में 15 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 13 शिकायतों को मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि पुलिस विभाग ने संबंधित 1 शिकायत में SIT गठित कर जांच करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं।
जहां एक शिकायत को पेंडिंग रखा गया है। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश के अंदर 9 साल में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश और प्रदेश में कई जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाई हैं, जिनका लाभ भी अंतिम पंक्ति के खड़े व्यक्तियों को मिल रहा है। जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे के साथ देश और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत देश का विदेशों का डंका बज रहा है। वहीं गठबंधन सरकार पर लगातार उठ रहे सरकारों को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि ये हाईकमान का फैसला है कि गठबंधन रहेगा या गठबंधन छत्तीसगढ़ में नहीं रहेगा। देखो, अधिकारियों की लापरवाही तो इतनी ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकता कि 15 शिकायतों में से 13 डिस्पोज हो गई और कुछ एक जैसे अभी आपने देखा होगा लोन के लिए बात करें तो सिविल अगर किसी का ठीक नहीं है तो लोन नहीं मिल सकता। तो कई चीज़ें ऐसी, मान लो गलत पेंशन ले ली, उससे रिकवरी भी होगी, तो ऐसा नहीं कोई अधिकारी सारे लोग पुलिस की बहुत शिकायत आई है। मैंने बताया ना, पुलिस की ज़्यादातर शिकायत पुलिस विभाग से सब कुछ, तो पुलिस विभाग को हमने जैसे एक एस आई टी गठित की है, कोई एक एस आई टी गठित करो ताकि लोगों को संतुष्ट हो सके। देखो, जिस तरह से देश के अंदर पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने 9 साल के तो बेटे में बात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की कर लेते हैं, जहां यूपीएससी के छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। तो अंबिकापुर जिले के यूपीएससी स्टूडेंट की हत्या के केस में साहू समाज ने दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर साहू समाज ने पुलिस के खिलाफ जमकर हल्ला बोल और रैली निकाल कर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया, जहाँ साहू समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि हत्या के षड्यंत्र के पीछे शामिल आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने पुलिस की जांच पर कई सवाल उठाते हुए हत्याकांड की जांच सीबीआई से मांग की है। साथ ही 3 दिन के अंदर कार्रवाई ना होने पर नेहरू चौक पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। दहाड़े दोपहर में हत्या हो जाता है, और जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि जो गाड़ी स्लेटी कलर की गाड़ी जिससे लाश को फेंका जाता है और बाद में पुलिस के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाया जाता है कि ऑटो से लाश को फेंका गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई में प्रश्न चिन्ह लगता है और कहीं ना कहीं संदेह को जन्म देता है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से, हमारे यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करने आए हैं कि जिस प्रकार से पुलिस की यहाँ पर खानापूर्ति और अपराधी को अभी तक के जो छुपाया गया है और मनगढ़ंत कहीं ना कहीं एक निर्दोष को वहाँ अपराधी साबित करके अभी अरेस्ट किया गया है, हम मांग शासन प्रशासन से करते हैं कि असली अपराधी तक पहुँचे, सूक्ष्म जांच हो, असली अपराधी को सजा मिले। युवा और होनहार एक लड़का यश साहू, जो कि बिलासपुर में रह के पढ़ाई कर रहा था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसके साथ त्रिकोणी प्रेम प्रसंग को लेकर निर्मम हत्या कर 6 घंटे तक लगातार कार में उसको घुमाया गया शहर में, और एक ऐसे जगह में रिट्टी मोड़ में जहाँ पर लगातार पुलिस गश्त रहती है, वहाँ लाश को दिन दहाड़े फेंक दिया जाता है, और उसके बाद सिरगिट्टी पुलिस द्वारा जांच के नाम पर लिपापोती की जाती है, जो मुख्य आरोपी है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है और सह आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। तो ब्रिटेन में बात छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की कर लेते हैं, जहाँ जगदलपुर में 3 परिवारों ने सनातन धर्म अपनाया है। जगदलपुर शहर के अनुकूल देव वार्ड करकापाल के 3 परिवारों ने सनातन धर्म अपना लिया है। बता दें कि ये परिवार बजरंग दल और महारा समाज के कामों से प्रभावित हुए थे, जहां 3 परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया है। इस मामले की जानकारी देते हुए महारा समाज के जिला अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष प्रेम कुमार चालकी ने बताया है कि अनुकूल देव वार्ड में रहने वाले नाग परिवार, जो कि मूल रूप से हिंदू धर्म में परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने 7 साल पहले ईसाई धर्म को अपनाया था, पर अब उन्होंने मूल धर्म रूप से वापस लेने का निर्णय लिया है, जिसके लिए उन्होंने महारा समाज और बजरंग दल से संपर्क किया, जहां बजरंग दल के एक पदाधिकारी और महारा समाज के पदाधिकारियों के सामने
पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना कर उन्हें फिर से हिंदू धर्म से जोड़ा गया है, जिससे कि पूरा परिवार बहुत खुश है। जैसा बस किचन था, अभी हिंदू में आ रहा हूँ, तो थोड़ा मेरा पिताजी लोग नहीं अभी काम करने देवी धर्म का, तो हम इसलिए हिंदू में आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको वापस? अभी अच्छा लग रहा है, धर्म में वापस आने का, अपना धर्म में आ रहा अच्छा लग रहा है। पहले भी हिंदू थे हम लोग, कुछ दिवस तक हूँ किचन में गए थे, अभी हिंदू में आए, अपना देवी धाम सब है, उनको हम संभालना पड़ेगा, बट सबसे बड़ा मैं ही हूँ। लगभग उन लोग 7-8 वर्ष से हमारा हिंदू धर्म से दूसरा धर्म में चले गए थे, अपना खुद मर्जी से हमारा समाज को बुलाए, हमारे नाइक पाइक हमारा कचरापट्टी परगन के सभी सियान सजन को बुला के अपना हिंदू धर्म में अपना घर वापसी अपना खुद अपना मर्जी से हुए। संपत बिलोरी से, संपत कैसे बोलते हैं तीन, तो हम भद्री गोटे हुए हैं, तबे हमारे गोटे भाई कीर्तनी बाट रहा 6-7 वर्ष हुई रहा, और हम हिंदू धर्म बाट आस भी बढ़ला आसला, हमारे समाज भाई आसलू एक हम मिले ही बोलते जैसा बस किचन था, अभी हिंदू में आ रहा हूँ, तो थोड़ा मेरा पिता। तो ब्रिटेन में बात छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की कर लेते हैं, जहां जरा फैक्ट्री लगाने को लेकर विरोध किया गया है। तो दूरा गांव में शराब फैक्ट्री बनाने के प्रस्ताव पर ग्रामीणों ने रोष जताया है, साथ ही राज्य सरकार पर बस्तर को नशे का गढ़ बनाने को लेकर आरोप लगाया है। बता दें कि लोहनी गुड़ा गांव के ब्लॉक में दूरा गांव पंचायत में विशेष ग्राम बुलाकर सरपंच और सचिव ने ग्रामीणों को जानकारी दी थी कि उनके ग्राम पंचायत में एक महुआ शराब फैक्ट्री बनाने के लिए दुर्ग निवासी शुभांक चंद्रकार ने प्रस्ताव दिया है, जिस पर ग्रामीणों ने तुरंत अपना असंतोष व्यक्त किया और फैक्ट्री को लगाने का विरोध किया है। अरे बस्तर में, इसके पहले आपको मैं बताऊं कि बस्तर क्या, इसी रोड में हमारे चित्रकूट जलप्रपात के जो रिसोर्ट बन रही है वहाँ पर जो है बियर बार खोलने के लिए जो है लोगों के 2 दिन हड़कंप मचाए थे, उसके लिए भी हम लोग यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि हो, चाहे ग्रामवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सभी ने मिलकर उसका विरोध किया कि यहाँ पर अगर इस पवित्र स्थल पर जो कि देश विदेश के जो पर्यटक चित्रकूट जलप्रपात देखने आते हैं और उस जलप्रपात के किनारे यदि बियर बार का दुकान रहेगी तो फिर हमारी वो पवित्रता तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। और दूसरी बात जो है, यही कांग्रेस सरकार के द्वारा जो जगदलपुर से चित्रकूट तक जो हर 1 किलोमीटर पर 0.5 किलोमीटर पर जो बोर्ड लगाई गई, आप लोग भी देखते होंगे, राम वन राम गमन पथ, ये जो वहाँ पर बोर्ड लगाई गई है चित्रकूट से मैंने जगदलपुर से चित्रकूट तक, उसका भी एक आस्था, लोग जो आते हैं तो उस पर एक आस्था बनती है कि चित्रकूट में जो है एक बहुत बड़ा धार्मिक भावना से लोग आते थे, धर्मन से बना के आते। ग्राम पंचायत धुरा गांव, मैं लक्ष्मण कश्यप। आज ग्राम सभा बैठक किया गया, जो तो सूचना हुआ था कि नहीं जो महुआ वाले आए आने के लिए, तो उस चीज़ को गांव वाले सब हम सभी मिल के मना कर दिए और अब ग्राम सभा नहीं बोल के पारित किए, क्योंकि जो महुआ तो वाला भट्टी बनाने वाले हैं तो भट्टी तो पहले से टूट गया भाई, गांव में हमारे देहात में कितने लोग मंद पी के मरते हैं और कितने लोग घर बर्बाद करते हैं, इसलिए हम गांव वाले का कहना है कि उस चीज़ हमारे एरिया में नहीं होना चाहिए। और जो पहले टाटा जो लगते रहा उसको फिर टाटा आपस किया, पट्टा वापस किया, अब जितने भी नजुल जमीन मन सब टाटा में दिखा रहा है, ये भी हम लोग का कहना है कि नहीं ऐसा हम होने नहीं देंगे। अरे बस्तर में, इसके पहले आपको मैं बताऊं कि बस्तर क्या, इसी रोड में हमारे चित्रकूट जलप्रपात के जो रिसोर्ट बन रही है वहाँ पर जो है बियर बार खोलने के लिए जो है लोगों के 2 दिन हड़कंप मचाए थे, उसके लिए भी हम लोग यहाँ के। तो बेटे ने बात हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहाँ रोहतक की सविता ने रोहतक का नाम रोशन किया है, जहाँ अंडर 17 वर्ल्ड एशियाई चैंपियनशिप में सविता ने गोल्ड मेडल जीता है। तो कजाकिस्तान के 10 जून से 13 जुलाई तक हुई अंडर 17 वर्ल्ड एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रोहतक की सविता ने गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद सविता अपने अखाड़े छोटू राम खेल स्टेडियम पहुंची,
जहां उसका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सविता ने कहा है कि उनका सपना ओलंपिक में मेडल जीतना है। वह मनदीप सैनी कुश्ती कोच के नेतृत्व में ये प्रैक्टिस कर रही है, जहां सविता ने बताया है कि वह गोल्ड जीतकर बहुत खुश है। अभी सर कजाकिस्तान में किर्गिस्तान में जो कंपटीशन हुआ था, इसमें अंडर 17 में सब जूनियर एशिया चैंपियनशिप थी, उसमें गोल्ड मेडल जीता 61 किलो के भार वर्ग में। ये कंपटीशन अभी 9 तारीख को टीम गई थी और अभी 14 तारीख को वापसी हुई। सर एशियन चैंपियनशिप थी किर्गिस्तान बिश्केक में अंडर 17 की सब जूनियर अंडर 17 सर कैडेट। सर तैयारी तो बहुत की थी, 5 साल हो गए वैसे मैंने कुश्ती करते हुए, सपना तो सर सभी। तो बेटे ने बार छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां सड़क दुर्घटना सामने आई है। बता दें कि जांजगीर चांपा में हादसे की खबर है, जहां हाईवा और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत की खबर है। इनके शव को क्रेन की मदद से निकाला गया है, जहां दोनों मृतक लखनपुर गांव के बताए जा रहे हैं। ये हादसा चंपा कोरबा रोड पर हुआ। जानकारी के मुताबिक कार में प्लास्टिक भरा हुआ था, वहीं हाईवा कोयले से लोडेड था। जहां हादसे के बाद हाईवा में भरे कोयले में आग लग गई थी, जहां 2 घंटे तक की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी।